नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चार ऐसे स्टॉक्स जिनमें काफी बड़ी गिरावट होते हुए देखी है आप सभी ने, और एक स्टॉक मैंने आपके लिए फ्राइडे को ही अलर्ट दे दिया था जहां पे मुझे काफी बड़ा ब्रेकडाउन दिखा। और मैं इस स्टॉक के ऊपर काफी बार वीडियोस बना चुका हूं और एक ही चीज हमेशा कही है कि जब तक ये स्टॉक 200 रुपए के ऊपर है आप अपने पास रखो, जिस दिन 200 के नीचे निकले आप बेच दो। पूरे पिछले 12 से 24 महीने में अगर आप देखोगे तो दो बार शेयर 200 के नीचे निकला और जिसने भी बेच के लॉस बुक करा और दोबारा 200 के ऊपर गया। काफी बार मेरे को ट्रोली भी करा गया बट फिर मैंने 200 के ऊपर दोबारा बाय बोला। इस तरीके से अगर आपने करा होगा तो आपकी दो बार ट्रेडिंग लगी होगी 5 से 10 पॉइंट की। लेकिन जिसने ये फॉलो करी स्ट्रेटेजी, आज वो काफी बड़े मुनाफे में है और काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। लेकिन ये सब पुरानी बात है। अभी रिसेंटली जब मैंने फ्राइडे को ही आपके साथ बात करी थी तब मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी स्पेशली निवेशकों के लिए जो कि इसको लॉन्ग टर्म पर्पस से लेके बैठे हैं। कौन से वो चार स्टॉक है और किसके बारे में अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं टाटा पावर, जिसके बारे में अभी मैंने जितनी भी डिटेल दी वो टाटा पावर। आज ये स्टॉक 186 के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है, अराउंड 3.5% डाउन है। और फ्राइडे को ही कहा था कि जिसके पास है वो इसको पुट के जरिए हेज कर ले, यानी कि आपने लॉन्ग टर्म पर्पस से लिया है, चार्ट काफी वीक हो गए, पुट के जरिए आप इसको हेज कर लो। मेरे पास कुछ कमेंट भी थे जो कि लिटरली मेरे से काफी कनेक्ट है, शायद उन्होंने बोला भी था भाई मैं करना चाहता हूं जैसा आप बोल रहे हैं बट कौन सी पुट खरीदे, एट द मनी, इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। बट उस पर मैंने रिप्लाई नहीं दिया कोई। आज मंडे, आज स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ और उसका कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। इनफैक्ट गैप डाउन ओपन नहीं हुआ था, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रिवर्सल आया था बट जब तक मैंने स्क्रीन पे स्टॉक को देखा था ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो गया था। मैंने वीडियो भी शेयर करी थी आप सभी के साथ मॉर्निंग में। बट ये स्टार्टिंग है, अभी भी बोल रहा हूं बट अभी कोई पुट को ना खरीद ले वीडियो देखने के बाद। क्यों? क्योंकि ये करेक्शन में एक बाउंस बैक आने दो। जो बाउंस बैक 190-192 तक अगर आ जाए कोई भी, वहां दोबारा इस स्टॉक को बेचोगे आप, क्योंकि अब इस शेयर में कुछ नहीं बचा फिलहाल के लिए। अगले एक हफ्ते दो हफ्ते में तो ये स्टॉक बहुत वीक दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम्स के साथ है। 1.3 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, एवरेज वॉल्यूम 85 लाख शेयर्स का है। स्टॉक आपके लिए 186 के नीचे, 200 के नीचे, और चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 2021 अक्टूबर में जहां से स्टार्ट हुआ था 156, ये स्टॉक वहां तक जाने के लिए तैयार है। तो 160 रुपए के जो मैंने फ्राइडे को टारगेट दिए थे वो भी अभी भी बरकरार है। बट मैं आपसे कहूंगा कोई उछाल अब ये मत करना कि डिलीवरी में ले रखा है लॉन्ग टर्म पर्पस से बेच दिया, क्योंकि सब खराब है, वो तो चलता रहेगा ऊपर नीचे, वो पड़ा रहने दो, लॉस हो रहा है देखते रहो, थोड़े दिन और होगा वो देखना। बट हैज कर ले होगा अगर आप पुट से तो आप थोड़ा भी बना लोगे आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा, तो ये आपको सेफ्टी देता है। अब हैज कब करना है, स्टॉक एक बार दोबारा 190-190 के आसपास आने दो, 195 के एसएल से आप इसकी पुट खरीदो। कौन सी? एट द मनी। एट द मनी वो होती है जो सबसे पास वाले स्ट्राइक प्राइस की होती है, ठीक है? तो वो पुट खरीदना आप और उसमें आप आराम से प्रॉफिट बनाओगे। और 195 का एसएल जरूर रखना, अगर 195 के एसएल के ऊपर निकले तो फिर वो पुट से भी आप निकल जाना, वो बेटर ऑप्शन है। डिलीवरी लॉन्ग टर्म पर्पस से नहीं बेचनी है बट शॉर्ट टर्म से हिसाब से आपको अवॉइड करना है, और बॉटम फिशिंग भी अवॉइड करनी है, फ्रेश बाइंग भी अवॉइड करनी है। और यहाँ पे पुट के जरिए आप काम करके चल सकते हो, 192 के अराउंड आता है तो एट द मनी आप जो भी सबसे क्लोज है उसको खरीदो। और स्टॉक में मुझे लगता है 165 से 160 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों ये एक सरप्राइज मूवर रहा मेरे लिए। स्टॉक में अराउंड 132 के लो लगने के बाद फरवरी मंथ में स्टॉक ऊपर में आया, 150 दिखाया और अचानक से गिर गया, मतलब ये काफी शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। बट एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं, गिरावट में वॉल्यूम्स नहीं है, गिरावट में वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है। आज स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 43 लाख शेयर्स का है, और जिस दिन तेजी आ रही है 1-1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो विदाउट वॉल्यूम गिर रहा है। तो अभी भी इस स्टॉक में थोड़ा कॉन्फिडेंस है। बाकी ये हमारी मार्च मंथ की एक डिलीवरी में पिक भी थी, इसका 132 का एसएल है, अभी भी बने रहे। जब तक मार्च फरवरी मंथ के लोस ब्रेक नहीं करेगा तो वो बाय है, 142 के स्टॉप लॉस से 142 पे बाइंग थी, अभी 136 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा लॉस हो रहा है बट मेरे हिसाब से अभी भी होल्ड करना चाहिए, उतना नेगेटिव मैं नहीं हुआ हूं अभी। तो इस स्टॉक पे थोड़ा सा व्यू अभी भी मेरा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है बट डेफिनेटली ये जो करेक्शन है कुछ शार्प दिख रही है मार्केट में, इंडेक्स लेवल हरे निशान में, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ी बिकवाली है। थर्ड स्टॉक है ट्राइडेंट। आज के सेशन में 5% का बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है इस शेयर में आपको। और एक चीज जो मैंने आपके साथ इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाई है आज, कि इसको इन लेवल्स पे बेचना बिल्कुल भी नहीं है, ये लेवल्स इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं।
आपके लिए अराउंड 4 times की बुक वैल्यू पे आ गया है, प्राइस टू अर्निंग भी कंफर्ट देता हुआ दिख रहा है, आप जो एवरेज है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग और बॉटम फिशिंग बेशक आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये भी कहा कि 5 installments लगाइए, यानी कि आप जो भी एवरेज करना चाहते हैं अमाउंट या जो भी फ्रेश एंड लेना चाहते हैं अमाउंट के साथ, उस अमाउंट को 5 भागों में डिवाइड करो और 3 भाग में आपको लेना है। पहला जो करंट है, उसके बाद दूसरा 24 पे, तीसरा 22 पे, और उसके बाद रुकेंगे हम 2 के लिए। जब रिवर्सल आएगा तब खरीदना शुरू करेंगे, गिरते हुए हमेशा नहीं खरीदते शेयर्स को। एंड फोर्थ स्टॉक जो आज करेक्ट होता है वो दिख रहा है, वो अदानी पावर का। अदानी पावर ऑलमोस्ट 5% के सर्किट के पास आ गया है। इसमें भी लोगों का निवेश काफी अच्छा खासा है, काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। डबल बॉटम फॉर्म करके स्टॉक 215 के हाई दिखा के नीचे जा रहा है। दोबारा से जो फ्रेश जो डबल बॉटम फॉर्म करे थे 150-146 के राउंड, वहां तक चार्ट पैटर्न शो कर रहा है कि जा सकता है स्टॉक। तो थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ भी नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो यदि मेरी वीडियो इन 4 स्टॉक्स को लेकर, होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।